कटिबा में नगर पालिका द्वारा साफ सफाई न करने पर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शहीद स्थल पर खटीमा नगर पालिका की सफाई व्यवस्था में सुधार ना होने और नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया गया। धरना स्थल पर मंच कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा रही है, यदि यह ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए नगर पालिका चेयरमैन एवं नगर पालिका के अधिशासी अभियंता दोनों को दोषी माना जाए और तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दे या वह स्वयं अपने पदों से इस्तीफा दे दें। नगर पालिका में व्याप्त राजनीति को बंद किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि पूरा शहर गंदगी से पड़ा है, बरसात आने का समय है, नवरात्रि व रमजान के त्यौहार भी अब शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभी तक नालों की सफाई भी नहीं की गई, जिससे एक बार फिर गत वर्ष की भांति धूप की स्थिति बन सकती है। शहर में मच्छरों का प्रकोप केवल एक फॉगिंग मशीन से शहर में सिकिंग की जा रही है। इसके लिए फॉकिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसी क्रम में नगर महापालिका में जो पूर्व में सफाई कर्मचारी रखे गए थे उन्हें पुनः नियुक्ति देकर बहाल किया जाना चाहिए, ताकि सफाई कर्मचारियों के साथ इंसाफ हो और नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। धरना स्थल की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष कामिल खान ने कहा कि नगर पालिका के सरकारी और ठेकेदार द्वारा योजन यूजर चार्ज के नाम पर व्यापारियों एवं गृह स्वामियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार की रजिस्टर नकल और अन्य राशन कार्ड आदि के सत्यापन को लेकर पहले रोज रोज योग जमा करने का दबाव, जो कि कतई न्याय संगत नहीं है। इस तरह की हरकतों पर पूरी तरह रोक लगाया जाना चाहिए। धरना स्थल का संचालन मंच उपाध्यक्ष मनोज बाधवा ने किया। छात्र संघ के सचिव शुभम गुप्ता, सलाउद्दीन अंसारी, इकरार हुसैन, विमल सोनकर, विवेक अग्रवाल, राहुल गौतम, सुमित यादव, आशीष गुप्ता, अमानत हुसैन, शादाब सैफी आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उसमें अब कुछ बदलाव आया है नगर पालिका बनने से? ये उससे बुरी हालत से बदतर हालत हो गई है इस्लाम नगर की, बस से बदतर हालत। कहीं पर सड़कों की या पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, बरसातों में बहुत बुरी हालत हो जाती है वहाँ, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सड़कों में कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा रहता है और वहाँ नालियाँ इस तरीके से बजा रही हैं वहाँ पर कि मच्छरों का और गंदगी का इतना प्रकोप है कि अब आने वाले टाइम में जो रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को लेकर के वहाँ पर जनता बेहद आक्रोशित है। आंदोलन को लेकर के वहाँ तो कोई रोड रोड या कोई नाली वाली है तो है नहीं थी? ना ना, कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको लेकर के आप लोग कोई आवाज़? बिल्कुल ऐसा नहीं, ये हमारा चरणबद्ध तरीके से संघर्ष इसमें जारी रहेगा जब तक इसकी नगर पालिका की नींद नहीं जगेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, जब तक उत्तराखंड एकता मंच अपने सभी साथियों जनता के साथ लड़ाई को लड़ता रहेगा। और जो है उसके लिए चाहे कोई भी हमें कदम उठाना पड़े, चाहे ईओ और चेयरमैन के खिलाफ जनता के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान माल की हानि होगी, उसके लिए चाहे इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने पड़े, वो भी कराने से पीछे नहीं हटे। आज जो मुख्य विषय है हमारा विषय है नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर। पिछले एक वर्ष से हम खटीमा में देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से शर्माई हुई है। खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन और खटीमा नगर पालिका के ईओ का आपसी विवाद, इस आपसी विवाद के चक्कर में खटीमा में कहीं पर भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मैं इसके लिए दोनों को दोषी मानता हूँ। ये विवाद है नगर पालिका के अंदर, जो खटीमा नगर पालिका के अंदर राजनीति होती है, ऐसी राजनीति किसी भी नगर पालिका में नहीं होती है। नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पालिका का ईओ, नगर पालिका कर्मचारी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, ये चार धड़े नगर पालिका में है इस समय खटीमा में। जब नगर पालिका का चेयरमैन कोई काम करना चाहता है तो उसमें ईओ अपनी टांगड़ा देते हैं, जब ईओ काम करना चाहता है तो सफाई कर्मचारी टांगड़ा देते हैं, और जब सफाई कर्मचारियों के हितों की बात आती है, उनकी सैलरी की बात आती है, उनकी हितों की बात आती है, तो नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका के चेयरमैन एक मंच पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं नगर पालिका राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। जब तक नगर पालिका में नगर पालिका के चेयरमैन और खटीमा क्षेत्र के विधायक मिलकर नगर पालिका को ठीक प्रकार से नहीं चलाएंगे और जो निरंकुश नगर पालिका के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक का मुझे नहीं लगता कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। हम उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से, हम उत्तराखंड एकता मंच के सभी कार्यकर्ता बार बार चेता रहे हैं नगर पालिका को कि आप जाग जाएँ, खटीमा की जनता की समस्याओं का निराकरण करें, रोडें बनाएँ, सफाई करें। यदि कोई इस प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं होती है, नगर पालिका नहीं सुधरती है, तो हमें मजबूरी में होकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें चाहे नगर पालिका में नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफत करनी पड़े, नगर पालिका की ईओ को हटाने के लिए आंदोलन करना पड़े, हम तैयार रहते हैं।